चलिए, पिछले टर्म पर हमने जो स्टडी की थी आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट कर रहे थे और फिर आपका एग्जाम आ गया था। आज हम आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म बीच में से हमने बंद कर दी थी, आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म से फिर से स्टार्ट कर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्पेस अरेंजमेंट चेंज होगा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्पेशियल अरेंजमेंट उसका चेंज हो जाएगा, उस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, कॉन्फिगरेशनल। हम आज इसी की बात करेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड टाइप की होती है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। इन दोनों की आज स्टडी करेगा। नेक्स्ट डे फिर आएगा कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो जिनको ये नोट करना है ये नोट कर लीजिए, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टाइप, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज होगी। और ज्योमेट्री कैसे चेंज होगी, एक कार्बन उसमें स्टेबल रहेगा, दूसरा कार्बन रोटेट हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया था तो इसे यहां से ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी हो गया था। ठीक है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में ये देखिए कि लैक्टिक एसिड का एग्जांपल हुआ था, टार्ट्रिक एसिड का हो गया था, चलिए ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी हो गया। तो फिर कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल हुआ था, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल तो हो गया था टार्ट्रिक एसिड। चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म लैक्टिक एसिड से वापस स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकली ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है जिसकी मिरर इमेज हो, और मिरर इमेज कब होगी, जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मींस ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी पर डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो, वो एसिमेट्रिक कंपाउंड होगा, उसमें कीरेलिटी सेंटर। जैसे ये कार्बन, कार्बन के चार साइड चार वैलेंसी होगी, इस पर क्या है सी डबल ओ एच, इस पर क्या है सी एफ थ्री, इस पर क्या है एच और ओ एच। ये फार्मूला है लैक्टिक एसिड का, इसका फार्मूला है ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। और लैक्टिक एसिड में कीरेलिटी सेंटर है, मतलब ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। देखिए ये किरेल कार्बन, इधर हाइड्रोजन, उधर ओ एच, उधर सी डबल ओ एच, इधर सी एच, चारों साइड डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या किरेल कार्बन। अब इसकी मिरर इमेज होगी, जब आप मिरर में इसको देखोगे तो ये साइड से चेंज हो जाएगा, और यही ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म है। इसका मतलब ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, बट कंपाउंड अपनी मिरर इमेज शो करता है। ऊपर एक बहुत सी बात,
सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज शो करेगा, इसका मतलब एसिमेट्रिक कार्बन को रखेगा। तो यहां देखिए ये कार्बन, अब ये वाला पोर्शन किधर आ जाएगा, इधर, और ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा, और ये सिमेट्रिक पोर्शन है ये अपनी जगह आएगा। अब ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म को या ऑप्टिकली आइसोमर्स को आइडेंटिफाई किस बेस पर करते हैं हम, प्लेन पोलराइज लाइट किससे रिप्रेजेंट, किससे आइडेंटिफाई करते हैं हम, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, प्लेन पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मान लीजिए लाइट की डायरेक्शन है तो उसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये पीपीएल को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है। अब ये कंपाउंड है, इससे हमने पीपीएल को पास किया, तो ये पीपीएल के साथ अलग भी हो करेगा और ये उससे डिफरेंट भी हो करेगा। तो जब हम इस कंपाउंड से पीपीएल को पास करेंगे तो ये कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये थीटा एंगल से इसने पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते समय स्मॉल डी पहले लिखते हैं, तो इसका नाम क्या बना, डी लैक्टिक एसिड। अब रोटेशन कैसे याद रखेंगे, किधर रोटेट करेगा, स्मॉल ग्रुप से लार्जर ग्रुप के साइड जाइए अपर साइड, ये क्लॉकवाइज हो। ये वाला कंपाउंड कैसे रोटेट करेगा पीपीएल को, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये पीपीएल, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका, पीपीएल को इस कंपाउंड से हमने पास किया तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऐसे कितना एंगल से रोटेट करेगा, थीटा से, इसलिए इसका नाम होता है लिबो रोटेटरी। और नाम लिखते समय क्या लिखेंगे, एल लैक्टिक एसिड, ठीक। अब क्या करें, इनका 50-50% का मिक्सचर, अगर ये 50% है सॉल्यूशन में और ये भी 50% है तो 50-50% का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर, क्या बन जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। अब यहां पर ऑप्टिकली आइसोमर्स में फार्मूला कैसे, फार्मूला के थ्रू इनके नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके तीन फार्मूले, पहले समझाऊंगा फर्स्ट वाला। रेसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, रेसेमिक मिक्सचर का मतलब होता है इक्वल वॉल्यूम का सॉल्यूशन, कौन से इक्वल वॉल्यूम, डी और एल का इक्वल वॉल्यूम का सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर क्या करेगा, इसमें 50% ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा थीटा एंगल से, ये भी 50% है वो वापस कलेक्ट कर देगा, तो रेसेमिक मिक्सचर एंगल को कितना रोटेट कर रहा है, जीरो। मतलब रेसेमिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या बोलते हैं उस कंपाउंड को, रेसेमिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल है, ये भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो यहाँ फार्मूला क्या यूज करें इनके टोटल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का, 2 की पावर n, कब करेंगे ऐसा, जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो, उसके टर्मिनल सेम ना हो, दोनों टर्मिनल डिफरेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, उसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे, n नंबर ऑफ किरेल कार्बन, n नंबर ऑफ किरेल कार्बन, n का मतलब किरेल कार्बन कितने हैं, इलेक्ट्रिक एसिड में तो एक ही किरेल कार्बन है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो इसके टोटल आइसोमर्स कितना मिलेंगे आपको,
दो एक डी और एक एन, ये तो रेसिपी मिक्सचर, ये तो हम स्पेशल टेक्निक से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चाहे दूसरा इसमें कैसे एग्जांपल लगाएंगे इस फार्मूले को, कहीं और कैसे यूज करें, तो मैं आपको ग्लूकोज का फार्मूला बना के समझाता। ग्लूकोज में या सीधा सा मतलब है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, तो कितने भी किरियल कार्बन हो यही फार्मूला यूज होगा। जैसे ग्लूकोज में ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, ये है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। इसका डायग्राम बनाऊंगा, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, दोनों टर्मिनल डिफरेंट है, किरियल कार्बन कितने वो काउंट करेंगे, फिर फार्मूले से आइसोमर्स पता करेंगे। ये ग्लूकोज सी एच ओ टर्मिनल, यहाँ सी एच ओ एच एक, ये सी एच ओ एच दो, ये सी ओ एच एच थर्ड, ये सी एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच, ये ग्लूकोज का फार्मूला। अब आप देखोगे ये एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ कौन सा ग्रुप है, CH2OH, टर्मिनल डिफरेंट है, मतलब ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, टर्मिनल सेम होते तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाता। अब देखिए किरियल कार्बन कितना है इसमें, ये तो किरियल कार्बन हो नहीं सकता क्योंकि इससे तो तीन ही अटैच है, ये भी किरियल कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि इस पर तो हाइड्रोजन बैठे हैं, ये है किरियल कार्बन एक, इधर हाइड्रोजन उधर OH उधर CH और डाउन साइड ये पूरा ग्रुप, एक नंबर का किरियल कार्बन दो, ये इधर हाइड्रोजन उधर OH उधर ये पूरा ऊपर ग्रुप डाउन साइड ये पूरा ग्रुप, ये तीन नंबर का किरियल कार्बन, ये चार, बस ये चार किरियल कार्बन है। इन चारों किरियल कार्बन में फार्मूला वही लगेगा 2n, बोलिए 2n, तो 2n4 मतलब टोटल आइसोमर्स ग्लूकोज के कितने बनेंगे 16, ठीक है। बोर्ड पर से नोट करिए, जिसने पहले नोट ना कर रखा फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे स्टडी कराते हैं। लैक्टिक एसिड हो गया था, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई 2 मिनट के अंदर फटाफट। अब कौन है भाई इसमें प्रतीक्षा हिता पे, होस्ट कौन है, होस्ट चेंज करिए क्योंकि वीडियो बंद और स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए हम अगला कंपाउंड, अगला एग्जांपल हम ऑप्टिकली आइसोमर्स का टार्ट्रिक एसिड को लेंगे। टार्ट्रिक एसिड में क्या होता है देखते हैं, किरियल कार्बन कितने होते हैं, क्या फार्मूला उसमें लगेगा। पहले फार्मूला लिखेंगे C OH CH OH C OH H C OH H, डायग्राम जो बच्चे साथ में बना सकते हैं वो बनाते चलिए, ये टार्ट्रिक एसिड का डायग्राम है, ठीक है। अब किरियल कार्बन ढूंढेंगे, ये किरियल कार्बन क्योंकि इसके इधर हाइड्रोजन उधर OH उधर C OH, डाउन साइड ये पूरा ग्रुप माना जाता है, ये भी किरियल कार्बन, इधर H इधर OH इधर C OH, ऊपर ये पूरा ग्रुप माना जाता है, दो किरियल कार्बन है इसमें। आप देखेंगे ध्यान से मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक है, टर्मिनल सेम है, टर्मिनल सेम। ग्लूकोज में ऐसा नहीं था, ग्लूकोज में टर्मिनल CH था, डाउन साइड CH2OH, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला बदल जाए, क्या फार्मूला होगा बाद में देखेंगे, पहले ये देखें कि इसके आइसोमर्स कितने मिलेंगे। किरियल कार्बन दो हो गए, अब किरियल कार्बन दो हो गए तो ये प्रॉब्लम आ गई कि इसमें हमको किरेलिटी सेंटर को चेक करना पड़ेगा। किरेलिटी सेंटर को चेक करेंगे तो सबसे पहले, हाँ भाई, किरेलिटी सेंटर को चेक करेंगे तो कौन डेक्स्ट्रो रोटेटर है कौन लिवो रोटेटर है ये देखना पड़ेगा। जैसे इस किरियल कार्बन को देखिए, मैंने आपको समझाया था लोअर ग्रुप से हायर ग्रुप के साइड अपर साइड से जाएगी, और डाउन साइड का किरियल कार्बन हो तो उसमें लोअर साइड से चलना, ये वाला किरियल कार्बन पीपीएल को
क्लॉक वाइज रोटेट करेगा। कैसा रोटेट करेगा? ये पीपीएल को क्लॉक वाइज रोटेट करेगा। ये वाला जो कंपाउंड है इसमें एक रियल कार्बन, ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो रियल कार्बन। तो दूसरा भी ये पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा? लोअर टू हायर, लोअर साइड, कैसे? ऑप्टिकली आइसोमर्स की आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि वो पीपीएल के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं। दोनों रियल कार्बन देखो कैसा बिहेव किया जब इसको पीपीएल से आपने पास किया या इससे पीपीएल को पास किया, तो इस वाले किरियल कार्बन ने क्लॉकवाइज रोटेशन की, तो इसने भी तो क्लॉकवाइज रोटेशन की। इसका मतलब ये कौन सा टार्ट्रिक एसिड है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी टार्ट्रिक एसिड। अब देखते हैं इसकी मिरर इमेज क्या होती है। ये मिरर है, मिरर इमेजिनरी कंसेप्ट बनाते हैं अपन, मिरर यहाँ कहां से रहा? इसको देखिए, इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये सी डबल ओ एच, इधर ओ एच आ जाएगा, इधर एच आ जाएगा, उधर ओ एच चला जाएगा, ये सी डबल ओ एच, ये मिरर इमेज बन गई, ठीक है। अब ये इसकी मिरर इमेज है पक्का, क्योंकि मैंने तो इसी को देख के इसकी मिरर इमेज बनाई है। अब ये पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा? ये रियल कार्ड बन गई थी, ये पीपीएल को एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा, ये भी एंटी क्लॉक वाइज, ये कौन सा टार्ट्रिक एसिड हो गया? एल टार्ट्रिक एसिड, लिवो टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये इसकी मिरर इमेज है पक्का, हमने इसी को देख के तो मिरर में इसका डिजाइन किया है। मिरर इमेज में इलेक्ट्रॉन साइड से मॉलिक्यूल चेंज हो जाता और इसकी एक डेफिनेशन, जो दो कंपाउंड आपस में पेयर हो बट वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। ये दोनों पेयर इनेंशियोमर के, इनेंशियोमर की डेफिनेशन क्या हुई? पेयर ऑफ आइसोमर्स विच हैज मिरर इमेज टू ईच अदर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज शो करे वो इनेंशियोमर का पेयर, और जो ऐसा ना करे वो डाइस्टियोमर। यहां लिख देना, जो अपनी मिरर इमेज शो ना करे वो डाइस्टियोमर का पेयर, और जो अपनी मिरर इमेज शो करे वो इनेंशियोमर का पेयर। चलिए, ये डेक्स्ट्रो रोटेटर, ये लिवो रोटेटर। अब इसमें एक कंपाउंड और होगा, ध्यान से देखिए, एच अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों एच सेम डायरेक्शन में भी तो डिजाइन कर सकते हैं, कैसे? सी डबल ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी डबल ओ एच, ऐसा भी तो कंपाउंड बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है आइसोमर्स में, बट स्ट्रक्चर तो बदलते रहते हैं। हमने दोनों एच को सेम डायरेक्शन में कर दिया, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में थे, फिर एच की मिरर इमेज बनी तो इसमें भी अलग अलग होंगे, साइड चेंज हो जाएगी, बट इसमें मैंने सेम डायरेक्शन में OH बना दी। ये भी इसका एक आइसोमर्स है, ये किरियल कार्बन, ये भी किरियल कार्बन, ये पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। ये पीपीएल को कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेशन देता है, ये थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कर देगा ये एंगल को? जीरो, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? मीजो टार्ट्रिक
ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑप्टिकली एक्टिवेशन जीरो हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, बट इन्हीं का आइसोमर है थर्ड नंबर का, इसको बोलते हैं मेजो टार्ट्रिक एसिड। ये डेक्सट्रो टार्ट्रिक एसिड, ये लिवो टार्ट्रिक एसिड, वो मेजो टार्ट्रिक एसिड। और ध्यान देंगे आप जिस लाइन को मैंने खींचा है उस प्लेन से, ये और ये पोर्शन सेम है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर के प्लेन से दोनों साइड सेम डिजाइन है, तो उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण भी जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। अब देखिए हम इसके टोटल आइसोमर से पता करें कौन सा फार्मूला लगाए, तो देखिए फार्मूला क्या है, 2n-1 ये आपको बताएगा ऑप्टिकली एक्टिव, 2n-1 ये फार्मूला आपको बताएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। देखते हैं किरेल कार्बन कितने हैं, 2, बट मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, इसकी कंडीशन है इस फार्मूले की, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए सिमेट्रिक, और उसमें किरेल कार्बन कैसे नंबर के होना चाहिए इवन नंबर। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो पहला फार्मूला निकल चुका 2n, उसी से पता करेंगे। यहां मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और उसमें किरेल कार्बन के नंबर इवन है, ऑड नहीं होना चाहिए, ऑड होगा तो फिर फार्मूला बदल जाएगा। यहाँ किरियल कार्बन के नंबर इवन है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो ये फार्मूला लगेगा ऑप्टिकली एक्टिव को पता करने का प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव का फार्मूला अलग होगा, वो होगा 2n/2-1। ये 2 में है, n/2-1। देखते हैं दोनों से आंसर क्या आता है, 2n-1 किरेल कार्बन n का नंबर 2, क्या रखेंगे 2-1 तो 2n/1=2। तो है तो सही, एक डी और एक एन उसमें चलो, अब एक आंसर आना चाहिए 2, ये प्लस हो गया 2, n की वैल्यू क्या है 2/2-1, 2/2 मतलब 1, 1-1=0, तो 2n/0=1। आगे आंसर, तो ये ऑप्टिकली आइसोमर्स इस कंडीशन में, कंडीशन है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बट इवन नंबर का आधार, तो इस फार्मूले से हम आइसोमर्स के नंबर पता कर सकते हैं। अब आपको ये पूरा नोट करिए, मेजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और इन सारी चीजों को नोट करिए, फिर मैं एक कंपाउंड और बनाऊंगा जिसमें फार्मूला बदलेगा, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, सॉरी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा बट ऑड नंबर का आएगा, करिए नोट। नोट कर लीजिए बोर्ड पर से, आप अपना बोर्ड पर से नोट करते रहिए। एक फार्मूला और फिर नोट करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला फार्मूला समझेंगे। दो कंपाउंड लिखेंगे और दोनों कंपाउंड में
दो फार्मूले का उपयोग करेंगे, जैसे सी डबल ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी डबल ओ एच। ये है तो टार्टरिक एसिड जैसा है, लेकिन इसमें किरियल कार्बन ऑड नंबर में, ठीक है। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, इधर भी पोर्शन वही है इधर भी पोर्शन वही, तो मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिक है बट किरियल कार्बन ऑड नंबर है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, डी एंड एल डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी के लिए फार्मूला क्या होगा, टू की पावर एन माइनस वन, ठीक। लगा करके देखते हैं, ये किरियल कार्बन, ये किरियल कार्बन, ये किरियल कार्बन, किरियल कार्बन तीन है, यहाँ लिखो थ्री, टू की पावर थ्री माइनस वन, टू की पावर टू इक्वल टू फोर, कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके, टोटल चार आइसोमर्स बनेंगे। लिखिए फार्मूला डी और एल, डी और एल के लिए आइसोमर्स माइनस टू, थ्री माइनस वन, इसमें एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा आपको, रुकिए थोड़ा, थोड़ा हिसाब किताब से फालतू ही कर रखा उसको बढ़ा करके, रुकिए, कुछ नहीं है इससे, ये बात लीजिए पहले हो जाएगा ज्यादा। डी एंड एल एंड मीजो मतलब टोटल आइसोमर्स का फार्मूला तो ये बनेगा, इसमें टू की पावर थ्री माइनस वन मतलब टू की पावर टू इक्वल टू फोर, ये टोटल आइसोमर्स का आंसर आ गया। अब हम लोग को अलग अलग करना है कि डी एंड एल और दूसरा मीजो कंपाउंड के लिए फार्मूला चाहिए। ये टोटल का फार्मूला मिल गया तो पहले डी और एल का पता कर ले, वीजो उसमें से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ डी और एल का फार्मूला क्या बनेगा, टू की पावर एन माइनस वन माइनस टू, बस। तो ये टू की पावर एन माइनस वन का आंसर क्या बनेगा, फोर, फोर माइनस टू इक्वल टू टू, तो डी और एल कितने बनेंगे, दो, तो वीजो कितने बचे, दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए फार्मूला, टू की पावर एन माइनस वन, इससे टोटल आइसोमर्स आएंगे, और आपको डी और एल पता करना है तो माइनस टू कर देना, माइनस टू करा मतलब चार में से दो गए दो बचेंगे, दोनों फिफ्टी फिफ्टी परसेंट बनेंगे। चलिए एक कंपाउंड और डायग्राम बनाता मैं, ये यहां पर है सी, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एच, एक किरियल कार्बन तो ये होगा, दूसरा किरियल कार्बन इसको बनाएंगे, यहाँ पर लगा दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ सी एच थ्री। पहले ये देखिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, यहाँ से क्रॉस करोगे तो इधर ब्रोमीन है उधर ओ एच है, ये यहाँ से सिमेट्रिक है बट ये ग्रुप बदल गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का फार्मूला क्या है, टू की पावर एन, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का फार्मूला तो यही है ना, टू की पावर एन, किरियल कार्बन कितने हैं, दो, तो टू की पावर टू इक्वल टू फोर, इसके आइसोमर्स टोटल बनेंगे फोर, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा, मीजो कंपाउंड तभी बनता है जब प्लेन ऑफ सिमेट्री।
चलिए नोट कर लिया, यस आर नो बोलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के एग्जांपल और ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। तीसरे टाइप के आइसोमेरिज्म इसी में थी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसको समझिए। और थ्योरेटिकल पोर्शन आपके पास स्टडी पैकेज नंबर 2 है, जो सर ने आपको वहां से दे रखा है, एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है, इसका स्टडी करिए उसमें। और आप चाहे तो उसमें से नोट्स बना लीजिए, नोट्स ना बना तो उसी में अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरे टाइप के आइसोमेरिज्म है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म। अभी आपने इसके पहले पिछले टर्म पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी की थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें डबल बॉन्ड का रोटेशन था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता था, ये कंडीशन थी, और इनपे डिफरेंट एटम ग्रुप होना चाहिए, ये भी उसकी कंडीशन थी। ये कार्बन स्टेबल रहेगा और ये रोटेट हो जाता था, ये इधर मोशन आ जाएगा, ये उधर चला जाता था, ऐसी कहानी थी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड नहीं होता। तो क्या होता है फिर डबल बॉन्ड नहीं होता, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का रोटेशन है, ये कार्बन स्टेबल रहेगा, ये रोटेट होगा। अब मैंने डबल को सिंगल किया तो एक एटम और अटैच होगा ना, ये हो गया, ये हो गया। अब जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड के कार्बन पे डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो, ये सेम ग्रुप भी होना हो सकता है ऐसे, सेम ग्रुप भी हो सकता। तो यहां पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का रोटेशन, स्पेस अरेंजमेंट चेंज होंगे, एक कार्बन स्टेबल रहेगा, दूसरा कार्बन अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा, मतलब अगर ये स्टेबल है तो ये कार्बन रोटेट होगा, और ये कार्बन रोटेट होगा तो ये तीनों भी इसके साथ घूमेंगे, रोटेट होंगे, इससे स्पेस में बहुत सारी ज्योमेट्री हमको ऑप्टेन होगी। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो आपने ये समझा कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में रोटेशन किसका है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का, एक कार्बन स्टेबल रहेगा दूसरा रोटेट होगा। अब समझा देता हूं डायग्राम से, जैसे ये एक कार्बन, ये सेंटर में कार्बन है, इससे अटैच तीन ग्रुप, ये स्टेबल है, ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है ना, ये दूसरा कार्बन, इससे तीन एटम अटैच, ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो सब तीनों रोटेट होंगे ना स्पेस में, इसके ग्रुप स्टेबल रहेंगे बट इसके रोटेट होंगे, तो रोटेशन के कारण बहुत सारे आइसोमर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स C2S6 इथेन के आइसोमर्स की स्टडी करते हैं। इथेन के आइसोमर्स में क्या है भाई, डायग्राम बदल लेते हैं, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होगा हाइड्रोजन, ये इथेन का डायग्राम बन गया। अब देखिए डायग्राम तो ऐसे दिखता, मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल इन शेप होता पूरा, दो कार्बन है, इतने बड़े बड़े थोड़ी है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, रोटेट होते हैं स्पेस में। तो डायग्राम बना के समझाता, अब डायग्राम भी कौन सा बनाऊंगा, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले के क्या रूल है, क्या उसमें होता है समझ, ये जैसे न्यूमन प्रोजेक्शन में हम इथेन के डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, एक साइड में थोड़ा सा समझा देता आपको, ये इथेन,
ये हाइड्रोजन तीन, ये दूसरा कार्बन इसके ये तीन है, ठीक है। ये इथेन का डायग्राम ऐसा हम इमेज लिखा है। अब देखने वाला किधर है, इधर। ये देखने वाले की आंख, ठीक है। तो इसको कौन सा कार्बन दिखाई देगा, ये वाला। अरे देखने वाला इधर है तो ये कार्बन दिखाई देगा ना, ये तो इसके पैरेलल बैक साइड है, ये कार्बन उसको दिखाई नहीं देगा। अब ये कार्बन दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, बट इसके हाइड्रोजन तो दिखाई देंगे ना, वो तो अलग है ना। तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हाइड्रोजन तो छह दिख रहे हैं, बट कार्बन एक ही दिखेगा, एक कार्बन उसके बैक साइड है। तो जो कार्बन पर्सन को दिखाई देता है ह्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले में, वो सर्कल के सेंटर पर होगा और उससे तीन हाइड्रोजन अटैच, एक दो तीन। हम ह्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो उस पर्सन को दिखाई देता है कार्बन, वो ह्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले में इस सेंटर पे होगा और उससे तीन हाइड्रोजन अटैच। अब दूसरा कार्बन दिखाई देगा, तो मान लो आप इधर हो देखने वाले, तो ये कार्बन दिखाई देगा, इसके पीछे वाला थोड़ी दिखाई देगा, वो गायब है, उसके तीन हाइड्रोजन दिखाई देंगे जो सर्कल के बाहर से रिप्रेजेंट होते हैं, ऐसा। एक दो ये तीन, ऐसे। ये इथेन का ह्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब आप यहां देखेंगे कि इस डिजाइन को क्या बोलते हैं, ये कंफर्मेशनल आइसोमर्स। अब बहुत सारे आइसोमर्स बनेंगे जब स्पेस में हम अरेंजमेंट चेंज करेंगे। पहले इसको समझ लेंगे कौन सा है। देखो इसमें इथेन के छह हाइड्रोजन होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर है, बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस है जितनी पॉसिबल है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, अरे मॉलिक्यूल तो स्टेबल होगा ना, क्योंकि रिपल्सन फोर्स क्या है, रिपल्सन फोर्स मिनिमम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्सन क्या है, मिनिमम। तो रिपल्सन मिनिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ध्यान रखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो रिपल्सन फोर्स भी मिनिमम है। अरे किसी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तभी वो मोस्ट स्टेबल होता है। एनर्जी अगर हायर है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में होंगे, अनस्टेबल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस मॉलिक्यूल की क्या है, मिनिमम। रिपल्सन फोर्स क्या है, मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ऐसे कंपाउंड का नाम होगा स्टेप, और इस कंपाउंड को अपन नाम क्या देंगे, स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्टेगर्ड फॉर्म। ये इथेन का आइसोमर से, बट इसका नाम क्या है, स्टेगर्ड। और इसकी ये कंडीशन, इसके हाइड्रोजन का रिपल्शन फोर्स मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, इसीलिए मॉलिक्यूल कैसा है, मैक्सिमम स्टेबल। अब क्या होगा, स्पेस में एक कार्बन को स्टेबल रखेंगे, दूसरे को रोटेट करेंगे, तो यह हाइड्रोजन पूरे स्पेस 360 के एंगल से रोटेट होंगे। हमें 360 के एंगल से रोटेट नहीं करना, पहले कितने डिग्री से रोटेट करें, 60 से क्लॉकवाइज रोटेट करिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, 60 डिग्री से रोटेट करोगे यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाए, ये हाइड्रोजन स्टेबल रहेंगे तीन, ध्यान से समझिए, ये घूमेंगे तीनों और ये कहां आ जाएगा, इधर। तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ये स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, कौन रोटेट हुआ, ये वाले हाइड्रोजन, ये कार्बन तो स्टेबल है ना, तो उसके हाइड्रोजन भी स्टेबल रहेंगे तीनों, ये रोटेट होंगे, ये वाला इसके पास आ गया, ये वाला इसके पास आ गया। अच्छा ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ऐसे होते हैं, ये ऐसे निकल जाएगा दूर से,
क्योंकि कार्बन कार्बन ऐसे नहीं है कि वो हाइड्रोजन चलेंगे तो तब कोलाइड करेगा, हाइड्रोजन में स्पेस है, सिंगल बॉन्ड ऐसे, तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते, थोड़ा सा माइन्यूटली स्पेशल होता है, दूर से निकल जाएगा। ये आ गए नजदीक, नियर टू ईच अदर। अब तो रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्सन है, मैक्सिमम होगा रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उसके इलेक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी लेवल में, और उसके पास अनस्टेबिलिटी हो, मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। ये कौन सी डिजाइन है, इक्लिप्स। मेन इसकी दो डिजाइन है। अब जैसे 60 डिग्री से फिर रोटेट करो, जो हाइड्रोजन यहाँ था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ। मतलब ये तो 60 डिग्री से रोटेट करा तो ये तो वापस इधर आ गया, फिर 60 डिग्री से रोटेट ये आ जाएगी। मतलब 60 डिग्री से रोटेट करने में आप 360 के एंगल को 60 डिग्री से रोटेट करोगे कितनी बार करोगे, 6 टाइम। तीन बार ये डिजाइन मिलेगी, तीन बार ये मिलेगी, तो हम 6 डिजाइन बनाएंगे क्या, नहीं। तीन ये मिल रहे, तीन ये मिल रहे, तो डिजाइन तो दो ही मिल रही ना, एक ही क्लिप्स दूसरी स्टेबल। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और उसमें हमने एग्जांपल किसका लिया, इथेन का, ठीक है। अब आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल कंफर्मेशनल आइसोमर आप इथेन, तो आप आंसर दोगे पता नहीं, क्यों कि यहां तो 360 डिग्री से रोटेट करेगा तो 360 तो वो हो गए, और फिर डिग्री में मिनट होते हैं, तो इतने सारे आइसोमर्स मिलेंगे जिनको काउंट करना इम्पॉसिबल। मेन ये दो है ऐसा उसका कहना है, मेन दो है, बाकी तो बहुत सारे मिलेंगे, हर डिग्री पे एक एक आइसोमर्स मिलेगा, और इनके बीच के जितने भी आइसोमर्स मिलते हैं उनका नाम होता है एसक्यू आर गासे, या तो गासे बोलेंगे या एसक्यू बोलेंगे, जो इन दोनों के बीच के आइसोमर्स। तो पहले इसको डिटेल हम नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म।